टैक्सी ड्राइवर से कार लूटकर हुए फरार, भागते हुए कई वाहनों को मारी टक्कर, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। अजमेर की क्रिश्चनगंज थाना पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर से कार लूटकर फरार हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों द्वारा पुष्कर के बाजार में भागते हुए कई गाड़ियों को टक्कर मार दी थी। इसके बाद पुष्कर पुलिस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। क्रिश्चनगंज थाना अधिकारी डॉक्टर रवीश सामरिया ने पूरे मामले से पर्दा उठाया है। नवभारत समाचार अजमेर राजस्थान से कैलाश व्यास की रिपोर्ट। देखिए, कल एक अनासागर लिंक रोड पुरानी चौपाटी के पास एक कार लूट की घटना हुई थी, जिसमें ड्राइवर के साथ मारपीट करके और उसकी गाड़ी को छीन करके दो व्यक्ति थे जो छीन के ले गए थे। पूरा घटनाक्रम इस तरीके से था कि एक टैक्सी बुक की जाती है जो जयपुर से सिंधी कैंप से बुक की जाती है, और उसको दो व्यक्ति नागौर के लेके सवार होते हैं। वो वापस मेड़ता की तरफ जाते हैं, यहाँ से जयपुर से लेके मेड़ता जाते हैं, और मेड़ता से वापस जब जयपुर की तरफ जाते हैं तो क्रिश्चनगंज थाना क्षेत्र में अनासागर चौपाटी के पास अजमेर लिंक रोड पर, अनासागर लिंक रोड पर वो ड्राइवर को मारपीट करते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं और उसको गाड़ी से नीचे उतार देते हैं, और उतार के उसकी गाड़ी को लेकर के वापस अजमेर की पुष्कर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जो कि हमने टेक्निकली अनुसंधान किया और उसमें ये बात सामने आई थी कि ये वापस गाड़ी को पुष्कर की तरफ लेके चले गए। इस पर नाकाबंदी कराई, सघन चेकिंग तलाशी अभियान चलाया गया और एक विशेष टीम मेरे नेतृत्व में ही पुष्कर की तरफ रवाना हुई और पुष्कर थाने से नाकाबंदी आगे करवाएगी। तो पुलिस थाना पुष्कर की सहायता से आगे पुष्कर की टीम नाकाबंदी कर रही थी और पीछे जो थी वो थाना कृष्णगंज की टीम थी। इस नाकाबंदी को देख करके उनके हौसले पस्त हो गए और उन्होंने मेन पुष्कर का जो मार्केट है उसमें गाड़ी को लेके चले गए, जहाँ पर पुष्कर का सरोवर है। इसी दौरान क्योंकि वो तीव्र गति से चल रहे थे आरोपी, इसलिए उन्होंने 3-4 गाड़ियों को टक्कर मारी थी, जिनसे कई गाड़ियों के नुकसान हुआ है। उसके पश्चात पुष्कर पुलिस टीम और कृष्णगंज थाना की टीम और आम लोगों द्वारा उसको पकड़ लिया गया, उनको डिटेन किया गया, उनके बाद अनुसंधान उनको गिरफ्तार किया गया। इनके नाम जो सामने आए हैं वो हैं अभिषेक विश्नोई, बुद्धाराम विश्नोई, 19 साल, थाना गच्चीपुरा नागौर, एक आरोपी तो ये है। दूसरा है डीजेले थेमो, जो कि नेपाली है, 40 साल का है और नागालैंड का है। पूर्व के अंदर इनके आपराधिक रिकॉर्ड इसने बताया है अपनी पूछताछ में, जो अभिषेक विश्नोई है उसने बताया कि मैं दिल्ली में काम करता था और मैंने एक व्यापारी है जो सीकर की तरफ का निवासी है, उससे 2,40,000 रुपये वहाँ से चुरा के भागा। इस तरह का उसने अभी तक बताया है खुद ने। उसके अलावा भी अनुसंधान जारी कि अन्य किन वारदातों में संलिप्त रहे। अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि हमने शराब पी रखी थी और नशे के आदि हैं, तो इसको लेकर के जाके इनको से कहा कि इस तरह की गाड़ियों को हम किसी क्राइम में यूज करना चाह रहे थे। उस चीज़ के बारे में अनुसंधान चल रहा है कि क्या वो और घटनाक्रम था, क्या किस तरीके से वो अन्य वारदात में से यूज करता।